मुझे लगता है कि तीन तलाक बिल को लेकर के अब देश में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मसला कोई धर्म का मामला नहीं है, बल्कि ये नारियों के सशक्तिकरण का मामला है, नारियों की आजादी का मामला है और नारियों पर हो रहे शोषण के विरुद्ध उठाई गई एक आवाज है। और मुझे लगता है कि भारत को, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष को, इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस मसले को नारियों के सम्मान के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए और विपक्ष को भी इस पर एक साथ होकर के जल्द से जल्द इस मामला को पारित किया जाए, इस मामले का हल निकाला जाए जिससे नारियों को एक शक्ति मिले। मुझे लगता है कि अब इस पर नारियों के हक के लिए जो आवाज उठी है और इस पर जो कानून पारित हुआ है उसको लेकर के देश में सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय घटिया राजनीति रही है। मसला चाहे जो कुछ भी हो उसको राजनीति के साथ और धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू धर्म में सती प्रथा एक बड़ी कुरीति थी जिसका राजा राम मोहन राय ने अंत किया था, वैसी ही एक बड़ी कुरीति मुस्लिम समुदाय के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर तीन तलाक को लेकर के है। और मुझे लगता है कि भारत के पक्ष और विपक्ष को, दोनों पार्टियों को एक साथ होकर के एक सहसम्मति से इस बिल को पारित करने की आवश्यकता है, जिससे हम नारियों की दिशा में उनके सशक्तिकरण को लेकर के आगे बढ़ सकें और एक नए भारत का, एक नए सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब विपक्ष को भी इस पर अपनी राय देने की आवश्यकता है, जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हम देखा जा रहा है कि राज्यसभा में चूंकि बीजेपी के पास संख्या बल कम है इसलिए वहां पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज आवश्यकता है कि विपक्ष को भी इस मसले पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई धर्म का मामला नहीं, कोई राजनीतिक मामला नहीं है और इसको पॉलिटिकल इश्यू के साथ कर जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। इस मसले को सर्वसम्मति से निकालने की आवश्यकता है जिससे एक नए अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। मुद्दे की बात में तीन तलाक बिल को लेकर के आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए मुद्दे की बात के साथ, जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।